अनुभव बता दें तो हम उनका झंडा कल से लेने को तैयार है। वही आदमी इस राज्य के का नीति नियंता है तो क्या होगा इस राज्य की दुर्दशा? तो इसके लिए कोई बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। जब आप और हम ऐसे लोगों को अपना नेतृत्व देंगे जिसको ये पता ही नहीं है कि जीडीपी होता क्या है। इससे पहले हमने बोलचाल की भाषा में एक चीज बताया था, सेमीकंडक्टर एक चीज होती है। देश में कुछ साल अभी 2 साल पहले पिछले वर्ष सेमीकंडक्टर की एक यूनिट जो लग रही थी महाराष्ट्र में उसको गुजरात में शिफ्ट करने की बात हुई। बड़ा देश में हल्ला हुआ कि भैया महाराष्ट्र में वो लग रही थी, वहां पर सरकार जब गिर गई तो उसको हटाकर गुजरात में किया गया। सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने के लिए करीब करीब $20 बिलियन, मतलब 20 बिलियन, 1 बिलियन होता है 8,000 करोड़ रुपया, 1,60,000 करोड़ रुपये का खर्च है लगाने के लिए। उस समय वेदांता की बात चल रही थी, अनिल अग्रवाल जो बिहार के ही है। जब वो यूनिट कभी भी बनेगी तो उसमें कम से कम 15-20% लोग बिहार के इंजीनियर उसमें काम करेंगे। कभी आपने बिहार में सुना कि भाई हम लोग यहाँ लग नहीं सकता, इतना आसान नहीं है, देश में नहीं है तो बिहार में कैसे लगेगा? लेकिन कभी बिहार में आपने इसकी चर्चा सुनी कि भाई सेमीकंडक्टर का भी फैक्ट्री महाराष्ट्र में लग रहा है, गुजरात में लगाने की बात हो रही है, तो बिहार में क्यों नहीं? लगाने वाला तो बिहार का आदमी है। तो मैंने उसका जवाब ये दिया कि भाई पूरे कैबिनेट को बैठा लीजिए, नीतीश कुमार जो अपने आप को इंजीनियर कहते हैं भी, उनको भी बैठा लीजिए, उनसे खाली ये पूछ लीजिए कि सेमीकंडक्टर होता क्या। जब यहाँ के नेताओं को यही नहीं पता है कि सेमीकंडक्टर होता क्या है तो उसकी फैक्ट्री कैसे लगेगी और फैक्ट्री लगाने के लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा, कैसी नीति बनानी पड़ेगी।